राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में नए दिन के साथ। लेकिन यार आज शिवा चला गया है बॉम्बे और वो आएगा एक हफ्ते बाद, तो यार मैं और जीतू ही रह गए बस दो जने। यार ठंड लग रही है सुबह सुबह और सुबह सुबह ठंड लग रही है, उठने का भी मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी। फिर भी कोशिश तो पूरी है और आज तो मंडे हो रहा है, नींद कंप्लीट हुई नहीं है। जी तुम कह रहा कि भाई आज तुझे खींच के एक्सरसाइज करवाएंगे, हैवी वेट उठवाएंगे, मतलब इस हाथ को डबल करवा देंगे, भगवान ही जाने क्या होगा। मैं बहुत हैवी वेट उठाता भाई, पता क्या है बचपन में इसने बहुत दूध पिया है और हमने नहीं पिया क्योंकि हमें दूध पसंद ही नहीं है और इसे दूध बहुत ज्यादा पसंद है। तो भाई देखते हैं कितना वेट उठा पाते हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा बहुत ज्यादा उठा लूंगा, ये भी नहीं कह रहा बहुत कम उठा लूंगा, मीडियम तो उठाऊंगा ही क्योंकि हफ्ता भर हो गया है, हम मिक्स एक्सरसाइज नहीं करेंगे। आज तो चेस्ट की होगी रे। ओ भाई खुश हो गया। देखते हैं तो दोस्तों मिलते हैं थोड़ी देर बाद जिम में। यार दोस्तों सच में सर्दियों के दिन आ गए, मतलब सुबह सुबह हमने गाड़ी में एसी भी नहीं चला रखा, प्लस में बाहर की जो हवा है बहुत ज्यादा ठंडी है, शीशे अलग लगा रखे हैं कभी कभी इसमें बाथरूम सिंगर वाले भूत आ जाते हैं। सूरज देवता भी आ गए, सूरज देवता चंदा देवता चंदा मामा सो गए, सूरज देवता आ गए हैं, जाट देवता भी जा रहे हैं जिम को, उनके साथ आलिया जी भी जा रहे हैं जिम को। तो ये कह रहा है कि दादा भगले जितना भगना है फिर थोड़ी देर में तुझे भगने लायक नहीं छोड़ूंगा। अब दादा बैठा हमारा वहां पे ही है, उसे आ रही नींद, आज इसकी नींद उड़ाएंगे। परसों के जब वर्कआउट कराई थी इन्होंने, भाई पीठ दर्द हो गया, इन्होंने कह रहा है मैं तो सोता रहा पूरे दिन, शाम को भी दुकान पे नहीं गया, तो सोच सकते हो कितना हैवी वेट करता है। इसके भी दर्द हुआ था बट मेरे नहीं क्योंकि मैं चालू हूँ, मैंने हल्का वेट उठाया था। भाई वर्कआउट करते हैं स्टार्ट, तीनों ने पकड़ लिया अपने अपनी जगह, अब बॉडी ओपन कर रहे हैं। दादा वहाँ लगे मैं साइकिलिंग पे, जी तू ट्रेडमिल पे। भाई फर्स्ट लेवल कर लिया क्लियर, हल्का हल्का वेट अब ले रहे हैं, थोड़ी हैवी, फिर उससे हैवी, फिर उससे हैवी, फिर आप लोग भी बैठ जाना, सबको उठा लेंगे, सबको एक एक को उठा लेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। आज इससे बच के रहना पड़ेगा, मैं कह रहा आज तेरी कसर नहीं करूँगा क्योंकि परसों जब ये थाई वगैरह के ले रहे थे बैग की तो मैंने इनके सामने ली नहीं थी, मुझे पता था कुछ तो गड़बड़ दिया, जलेबी इसी मारे खिलाता है ताकि अगले दिन निकाल सको इसका जलेबासा। भाई अब आ गया है असली औकात पे अपने घर दे रही बीच बीच के, परसों दादा रो रहे थे, अब क्या बैग पकड़ के रो रहे थे, आज छाती पकड़ के रोएंगे। अब Through the highway.
तो जी तो खेलने के लिए तैयार हो गया 2020। क्या ये पिच पे टिक पाएगा तो देख करिए दोस्तों, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, डंबल आपके फुट गिर सकता है। भाइयों जिम करके तो आ गए हैं, लेकिन अब मार्केट में गए थे सामान वगैरह लेने के लिए, तो यार बहुत ज़्यादा महंगाई है। प्याज वगैरह 700 रुपए की क्रेट मिलती थी, अब वही 1000 रुपए की हो गई है। प्लस में आपका जो ये काजू मगज होता है, ये ग्रेवी में यूज़ होता है, तो इसके भी रेट बढ़ गए हैं। ये भी जो 300 रुपए किलो मिलती थी वो 600 रुपए कुछ हो गई है, तो डबल रेट डबल हो गए सब हैं। क्या खाएं क्या कमाएं। ये है सिंगाड़ा, सिंगाड़ा और इसमें रहता है बहुत सारा प्रोटीन। एक्चुअल में ऐसा दिखते हैं, इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते हैं, इतने पढ़े लिखे तो है नहीं ऐसे। ये निकलता है सफेद सफेद सा, तो ये है ठीक है, ये निकलता है, इसे आप मीठा होता है भीतर से, मीठा मीठा। भाइयों अब ले ली है हमने टाइट, टाइट जिम करने के बाद टाइट लेते हैं। ये रहा हमारा सिंगाड़ा, ये रहे सेब, ये रहा पनीर। तो भाइयों अब घर जाके लेंगे टाइट, दूध, देसी गेहूं के लड्डू, प्लस में पनीर, सेब वगैरह तो खैर रास्ते में चलते चलते खाने हैं ये। तो भाई प्योर पनीर तो पता नहीं कहाँ मिलता है, नहीं मिलता, लेकिन जो मिल रहा है उसमें हम खुश है। खुला खर्चा ना कोई ताड़े ना। जिम करने के बाद डाइट लेनी जरूरी है, अगर नहीं लिया ना तो शरीर और ज्यादा सूख जाता है। तो भाई जिम करो तो कुछ ना कुछ प्रोटीन वाला चीज तो खाना ही पड़ता है यार। देसी घी का खाना, ये है प्रधान हमारा हरियाणा, हरियाणा ये वाला तो भाई दिल के शेप में लिख रहा है। ओ भाई किसी का दिल अगर काला नहीं सफेद है तो भाई उसके लिए हैशटैग सफेद दिल वाला। तो हम इस सफेद दिल को खा रहे हैं, जिसका भी होगा याद क्या हो देखिए। इसके पास तो बेकार दिल लिख रहा है हमारा, ये सफेद सफेद दिल कौन सा, यहाँ तो जहाँ तक तेरी नजर जा रही है देख दो खेत में नाम कर दे भाई। घर जाने के लिए हो गए रेडी, रास्ते में अभी तो घर जाके पता पड़ेगी क्या डिसाइड होता है। मेन्यू डिसाइड हो रहा है शादी का, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो भाई निकल गए अब रास्ते में, एक बार ही हमने तो वैसे मेन्यू डिसाइड कर लिया, लेकिन ये है ना घर वालों को भी एक बार पता पड़ जाए कि हमें ये मेन्यू ये है, जितना हो रहा हमसे हम करेगा करेगा, मिलते हैं हमको थोड़ी सी देर बाद। दोस्तों अब आ गया हमें घर पे, हम कमिंग होम स्वीट होम। इसका है ब्याह पैसा का, ये आ गए माते, माते हाई बोलो ला रहे। पता है इसे पता था हम आने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब बर्तनों को धो लिया। इसे कहते हैं अनपढ़ता, अनपढ़ता है मम्मी, जब इसे पता था हम आने वाले, फिर भी अब तक तो कुछ नहीं हुआ। मैं देखें जाओ अपने पति परमेश्वर को देख के आओ। सुनो भाई साहब
तो भैया यही है जो है कितना रुपये दे वो एक टी शर्ट नहीं बना के नहीं दे रही है तो ठीक है। तो भाई सब कुछ हो गया डिसाइड तो चलते हैं भाई खाना खाते हैं। देसी गेहूँ जी तो देसी गेहूँ ये डाला सब्जी में। तो भाई जैसे देसी गेहूँ तो मिला है ना भाई। तो दोस्तों आ गए हम घर से होटल पे। अब यार हलवाई वगैरह तो करवा लिया है, देखते हैं क्या होता है कितने में होता है, मतलब पैसों का एस्टिमेट नहीं बैठ रहा अभी कि हमें कितने में क्या होगा। बाकी उन्हें दिखा दिया पुलिस लाइन में जगह वगैरह सब दिखा दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, तब तक के लिए राम राम।